Hello friends, welcome to this video on current affairs of 29th August 2017. This video has been brought to you by CLAT Gurukul. For more information, you can visit our website clatgurukul.com. Just in case if you have any feedback or suggestions, you can call us on 82943-94519. This video is relevant for all competitive exams like CLAT, ILET, SAT, MSCET and various other law entrance competitive exams where they give due importance on current affairs. This is the list of courses that we offer at CLAT Gurukul. One is the correspondence program, the other is the classroom program. Classroom program three types ke hain. Correspondence program mein humara mock test series hai and distance learning program hai. Just if you want, in case if you want to subscribe our mock test series, you can visit us on clatgurukul.com/exam. Mock test series mein hum log 40 CLAT pattern mock test dete hain. Jiske alawa 100 practice mocks jo humne previous years mein कंडक्ट कराए थे वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं साथ में 300 सेक्शनल टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज में फॉर फर्दर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन यू कैन विजिट अस ऑन clatgurukul.com नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नेम द मिनिस्टर हु हैंडेड ओवर द लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM jointly developed by India and Israel to Indian Navy at Bharat Dynamics Limited. The correct answer for this question is Mr. Arun Jaitley. He is the Defense Minister of India. He in a program in Hyderabad at Bharat Dynamics Limited handed over these long range surface to air missiles to Navy, Indian Navy. Now there are a lot of takeaways from this question. सबसे पहला तो हमारा takeaway है कि LRSAM ये इजराइल के साथ joint collaboration में develop किया गया है किसके साथ इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री IAI के साथ और DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की जो एजेंसी है इनके कोलेबरेशन में डेवलप किया गया है कहाँ डेवलप किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक अलग कंपनी है जो तीनों हमारे जो डिफेंस के विंग्स हैं जैसे मिलिट्री नेवी एंड एयरफोर्स उनके लिए मिसाइल सिस्टम्स डेवलप करती है ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर हैदराबाद एंड हु इज द चीफ ऑफ BDL, the chief of BDL is Varanasi Uday Kumar, V. Uday Kumar, Uday Kumar, Varanasi Uday Kumar. ये long range surface to air missile system जो है उसको उसका नाम है proper name है Barak 8 missile defense system. Now चूंकि ये DRDO और IAI के कोलेबरेशन में डेवलप किया गया है तो हम लोग को ये भी जानना जरूरी है कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चीफ कौन है इसके चीफ है डॉक्टर एस क्रिस्टोफर ही इज डॉक्टर एस क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ फीफा U17 वर्ल्ड कप इन इंडिया 2017 तो आपको ये जानने की जरूरत है कि फीफा U17 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में होने वाला है कहाँ ये स्टार्ट हो रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि दिल्ली में है वहीं पे इसका इनॉग्रेशन हो रहा है सो व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इस उसका ऑफिशियल मैस्कॉट है खेलियो क्लाउडेड लेपर्ड इसका ऑफिशियल मैस्कॉट कौन सा है खेलियो अब आप जरा बाकी के ऑप्शन के बारे में देख लीजिए वो भी काफी आपको हेल्प करेंगे चाउरमी A tiger boy is the official mascot of FIFA U20. ये हो रहा है कोरिया में, साउथ कोरिया में. Jabiwaka and Wolf. Jabiwaka जो है वो mascot है FIFA World Cup जो कि main World Cup होता है. That is to be held in Russia. Russia in the year 2018. तो main World Cup जो रशिया में होने वाला है उसका मैस्कॉट का नाम है जाबीवाका एंड फुलेसो अ थ्री बैंडेड आर्माडिलो ये मैस्कॉट था 2014 फीफा वर्ल्ड कप का
ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राजील में, ब्राजील में हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टाइड अप रिसेंटली विद सिमेंटिक टू फाइट साइबर वॉर्स. अब ये टाइप जो है भारतीय एयरटेल ने किया है टू फॉर साइबर सेफ्टी ऑफ इट्स एंटरप्राइज नेटवर्क, और इसने सिमेंटिक के साथ किया है. नाउ भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? सीईओ है गोपाल विट्ठल, गोपाल विट्ठल. एंड हु इज द फाउंडर ऑफ भारतीय एयरटेल? फाउंडर ऑफ भारतीय एयरटेल इज सुनील मित्तल. He is सुनील मित्तल. सिमेंटिक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये एंटीवायरस बनाती है, साइबर सिक्योरिटी में इसका एक मेजर रोल रहा है. द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड एट माउंटेन व्यू इन कैलिफोर्निया. एंड हु इज द सीईओ ऑफ सिमेंटिक? ही इज ग्रेग क्लार्क. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन. याद रखिए, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में अगस्त 29 को. सो हर साल अगस्त 29 को, विच हैपेंस टू बी द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, उनका ये बर्थ एनिवर्सरी भी है, उसी दिन इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. मेजर ध्यानचंद ने इंडिया को हॉकी में 3 ओलंपिक गोल्ड्स दिलाया था. वो दिलाया था उन्होंने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में, एंड 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में. ही इज सपोज टू बी द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर बॉर्न इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन 2016 एज पर 2017 UNWTO रिपोर्ट ऑन लीस्ट विजिटेड नेशंस. तो इसमें जानने की जरूरत है कि ये 2017 का UNWTO रिपोर्ट ऑन लीस्ट विजिटेड नेशंस का जो लिस्ट है, उसमें टुवालू वॉज द कंट्री विच वॉज लीस्ट विजिटेड इन द ईयर 2016. कितने लोग विजिट किए थे इस कंट्री में? बाहर से मात्र 2000 लोगों ने इस कंट्री को 2016 में विजिट किया था. टुवालू एक साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशन है. अब साथ में आपको जानने की जरूरत है कि ये UNWTO क्या है. ये UNWTO जो है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है. इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, विच इज द कैपिटल ऑफ स्पेन. And who is the head of UNWTO? Head of UNWTO is Taleb Rifai. Now our next question. Next question is, which country imposed the world's toughest law using plastic bags recently? ये toughest law pass किया है केन्या ने. केन्या ने एक लॉ बनाया है जिसके अंदर अगर कोई प्लास्टिक यूज करता है तो ही कैन बी फाइंड अप टू $40,000, विच इज अ ह्यूज फाइन. एंड अगर इफ वन फेल्स टू प्रोवाइड दिस फाइन अमाउंट, ही विल बी गिवन अ 4-year जेल टर्म. सो दिस इज द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ फॉर यूसेज ऑफ प्लास्टिक्स. अब हम लोग केन्या के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें. केन्या का कैपिटल जो है वो नैरोबी है. इसकी करेंसी शिलिंग है, केन्या शिलिंग. क्या है करेंसी? केन्यन शिलिंग. केन्या जो है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, ईस्ट साइड ऑफ अफ्रीका में पड़ता है. एंड आपको बता दिया जाए कि केन्या का एक कंसिडरेबल लैंड का पार्ट जो है दैट हैज बीन डेडिकेटेड टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. आपको ये भी जान लेना चाहिए कि मसाई मारा जो नेशनल रिजर्व है, आप नेशनल ज्योग्राफिक पे काफी देखते होंगे, काफी सुनते होंगे मसाई मारा के बारे में, वो केन्या में ही है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इन मणिपुर हैज इमर्ज्ड एज 100% कंप्यूटर लिटरेट. सो दिस विलेज इज नुंगथांग तंपाक. दिस इज अ विलेज इन मणिपुर एंड दिस इज द सेकेंड विलेज विच हैज बीन डिक्लेयर्ड 100% कंप्यूटर लिटरेट. पहला विलेज कौन सा है? वो केरला का एक विलेज है जिसका नाम है चमारा वट्टूम. दिस इज फर्स्ट विलेज इज चमारा वट्टूम.
दिस इज अ विलेज ऑफ केरला. तो मणिपुर के बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लें. मणिपुर का कैपिटल जो है वो है इम्फाल. इम्फाल और यहाँ के सीएम कौन है? सीएम इज एन बीरेन सिंह. एन बीरेन सिंह. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आरबीआई कमिटी हैज रिसेंटली रिकमेंडेड दैट बैंक शुड लिंक होम लोन रेट्स टू रेपो रेट. Now this RBI committee was headed by Dr. Tarun Ramadurai, who is a financial economics professor of Imperial School of Business London. Unki committee ne recommend kiya hai ki jo house loan ke rates hain unko MCLR ki bajaye, presently wo MCLR ke through decide hote hain, MCLR ke bajaye repo rate ke through decide hone chahiye ki kitna home loan ka rate lagna chahiye. Ab ye MCLR kya hai? MCLR is मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लिक्विड लेंडिंग रेट. सो MCLR पे प्रेजेंटली अभी आपका होम लोन का रेट डिसाइड होता है. गवर्नमेंट उनकी कमेटी ने रिकमेंड किया है कि अब ये रेपो रेट पे होना चाहिए. रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI या सेंट्रल बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज रेपो रेट. इसका ठीक उल्टा है रिवर्स रेपो. रिवर्स रेपो होता है आरबीआई या कोई अदर सेंट्रल बैंक जो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक से लोन बोरो करता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं. नाउ आरबीआई के बारे में जानकारी, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई एंड हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई. गवर्नर इज उर्जित पटेल. इज उर्जित पटेल. Next question, how many Indian companies have made it to the latest clean 200 list featuring world's largest publicly traded company? Now seven Indian companies have made to the list. Kaun kaun si ye companies hain? Pehli company hai Suzlon Energy, dusri company hai BHEL, teesri hai Tata Chemical, chauthi hai Exide Industries, fir hai IDFC Limited, fir Thermax Limited and this final company is Havells India. Matlab saatvi company jo hai wo Havells India hai. Now the next question, with which country India signed agreement to improve grid integration of renewable energy? Now the point to be noted is grid integration of renewable energy. Ye pact jo hai wo sign hua hai Germany ke saath. Under which agreement? It is regarding a technical cooperation for Indo-German energy program for green energy corridor, which is also in acronym terms is called as IGENGEC. GEC matlab Indo-German energy program for green energy corridor. The objective of this program is to integrate all the grids which are providing renewable energy. So ab aap Germany ke bare mein jaan lijiye. Germany ka capital, of course, all of you know, is Berlin, and the chancellor who is the head of state of Germany is Angela Merkel. This was all regarding our video for the current affairs of 29th of August 2017. If you liked our video, do subscribe our channel on YouTube, like it and press the bell icon as it will help you getting notification for our further video uploads. We'll also suggest you to join our discussion forum on Facebook, which is CLAT Insight. Join this group. It will help you regarding your preparation. Also like our page on Facebook at facebook.com/CLAT Gurukul. Thank you for watching this video.